तो दोस्तों हमारे पास ये जो ट्रैक्टर आया था महिंद्रा, इसकी हमने हाइड्रोलिक उतारी है और साथ ही साथ आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। और ये सेल्फ स्टार्ट था, बाकी चल भी सकता था, फिर भी ये इसको गाड़ी में रख के क्यों लाए उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे इस वीडियो में। तो अभी हम इसके हाइड्रोलिक उतारी है, अब हम इसका ये गियर टोपा भी उतारेंगे। वैसे इसके सभी सामान ओके हैं, इसके गियर में भी कोई दिक्कत नहीं है, कड़ा पिनियन में भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप देख सकते हैं हमने इसका गियर टोपा उतारा है। ये इसका फर्स्ट रिवर्स है, फर्स्ट और रिवर्स जो गियर है वो ये है, और ये दूसरे तीसरे की गिरा रही है। ये भी सही है, इसमें यह भी ओके है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं आपको जानकारी के लिए वैसे ही बता रहा हूँ। और ये इसका टॉप गियर की गिरा रही है, ये इसका टॉप गियर है, और ये इसका हमारा हाई गियर है। और इसके नीचे जो बड़ा कड़ा जो आता है जिसमें बड़ी सबसे बड़ा फोर्क लगता है वो इसका लो गियर है। ये इसकी टॉप की गिरारी होगी, तब ये टॉप गियर में। तो दोस्तों इसका खोलने का मेन मकसद मेरा क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये बिल्कुल गियर इसके सारे ओके हैं, सिर्फ हमें इसको खोल के चेक करके और लगाना है, बाकी इसमें सारा काम ओके। तो हम अभी इसका और मरघाट हैं और इसके जो, तो अभी हमने इसकी एक्सल ट्यूब मरघाट एक्सल बार निकाले हैं। अब हम इसके ये ब्रेक ड्रम और केंज भी बाहर निकालेंगे और साथ ही साथ आपको दिखाएंगे। दोस्तों मैंने एक कड़ा पिनियन का वीडियो भी डाल रखा है, आप चाहो तो वहाँ जाके कड़ा पिनियन के सेटिंग के बारे में जानकारी ले सकते हो। पर फिलहाल मुझे इसमें ये जानकारी देनी थी कि आखिर ये ट्रैक्टर कंप्लीट होते हुए भी गाड़ी में क्यों आया। तो इसकी ये मेन वजह है, आप देख सकते हैं ये यहाँ से फट चुका है, इसका सारा ऑयल निकल चुका है, इसलिए ये इसको गाड़ी में रख के लाए। और ये इसके आप टुकड़े देख सकते हैं और किस कारण से हुआ, साथ ही साथ वो भी आपको दिखाएंगे कि ये क्यों हुआ। तो ये इसके टुकड़े हैं हमारे हाउसिंग के, तो ये नट टूटने की वजह से, हमारा जो एक्सल का नट टूटने की वजह से ये सारा काम हुआ है। इस तरीके से इसमें गिरारी के और हाउसिंग के बीच में आने की वजह से हमारा जो हाउसिंग है नीचे से फट गया है। तो दोस्तों इस हाउसिंग को हम नया डालते हैं, वेल्डिंग कराते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। और अगर हम वेल्डिंग कराएंगे तो आपको बताएंगे। ये नट टूटा है दोस्तों इसका एक्सल का, इसकी वजह से सारा खेल हुआ है। तो अगर हम इसको वेल्डिंग कराएंगे तो भी आपको दिखा देंगे, और अगर नया डालेंगे तो भी आपको दिखा देंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ दिखाई जाएगी, तो आप इसका पार्ट 3 भी देखना ना भूलें।